तो इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, चाहे करनाल स्टेशन के बाहर की सुरक्षा हो या करनाल स्टेशन के अंदर की सुरक्षा हो, करनाल रेलवे पुलिस, जीआरपी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरह से खालिस्तानी समर्थक गुरवंत सिंह पन्नू की तरफ से धमकी दी गई है कि ट्रेनों को रोका जाएगा, सिख फॉर जस्टिस की तरफ से धमकी दी गई है, हालांकि धमकी भरा फोन कुरुक्षेत्र पर भी बताया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र स्टेशन पर भी आता है, अम्बाला में भी आता है, जिसको लेकर पुलिस किसी तरह से जो है ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। हालांकि यहां पर खालिस्तानी जो समर्थक है कोई भी यहां पर मौके पर नहीं पहुंचा है, और ना ही सिख फॉर जस्टिस के जो युवा है वो भी यहां पर मौके पर नहीं पहुंचे, और ना ही कोई इकट्ठे होने की कोई जानकारी अभी तक लगी है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, रेलवे थाना इस समय करनाल रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, किस तरह से पुलिस की तरफ से तैयारियां की गई है। कश्मीर सिंह जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, एसएचओ हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां की गई है और किसकी तरफ से जो धमकी आई है जिसके बाद पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। देखिए हमारी तरह से पूरे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, जिला पुलिस करनाल की ओर से भी हमारे को एक रिजर्व दी गई है, और डिप्टी साहब भी यहाँ पर, एसएचओ साहब भी, सिटी के हमारे कुलदीप जी यहाँ मौजूद हैं मौके पर, और बाहर भी आप देख रहे होंगे कि वाजरा भी खड़ी है, एम्बुलेंस भी खड़ी है, और गाड़ियाँ स्मूथली चल रही है, मतलब किसी प्रकार का किसी भी जो संगठन द्वारा जो घोषणा की गई थी जो किसी ने गाड़ी को रोकने का अभी तक यहाँ प्रयास नहीं किया ना। इसकी तरफ से जो धमकी भरा फोन आया था वो कुरुक्षेत्र और अम्बाला यहाँ तो नहीं आया ना? नहीं नहीं हमारे पास नहीं आया, वो कहीं दूसरे एसएचओ के पास आया होगा। कि बाकी हमारे द्वारा जो बम डिस्पोजल स्टाफ है वो आप देख रहे हैं वो भी मौजूद है, उनके द्वारा भी चेकिंग की है किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। हमारा डॉग स्क्वाड भी मौके पर मौजूद है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, बॉम्ब स्क्वाड हो डॉग स्क्वाड हो वो भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है, तैयार है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि एहतियात के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल के रेलवे स्टेशन की देख सकते हैं, जहां पर बॉम्ब स्क्वाड हो स्पेशल डॉग स्क्वाड हो वो भी यहां पर पहुंचा हुआ है, उनकी टीम भी यहां पर मौके पर पहुंची हुई है, क्योंकि खालिस्तानी समर्थक गुरवंत सिंह पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस जो उनका संगठन है उसकी तरफ से बताया जा रहा है कि यह धमकी दी गई थी, जिसके बाद आप देख सकते हैं करनाल स्टेशन के अंदर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, करनाल स्टेशन के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि किसी तरह की कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि जो युवा नौजवान है वो इकट्ठा हो रहे हो या करनाल रेलवे स्टेशन पर वह ट्रेनों की आवाजाही रोकने की कोशिश करें, क्योंकि जानकारी है कि पंजाब की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको रोकने की धमकी दी गई है। लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से तमाम इंतजाम जो है यहां पर किए गए हैं। इस समय आप देख सकते हैं जो डॉग स्क्वाड की टीम है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, वो भी यहां पर करनाल स्टेशन पर जो है तैनात कर दी गई है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्पेशल उनके ट्रेन डॉग्स होते हैं वो यहां पर इस समय मौजूद है। आप देख सकते हैं जो बम निरोधक दस्ता होता है वो यहां पर मौके पर पहुंचा हुआ है, और हर तरह के सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, सभी पुलिस कर्मचारी अधिकारियों की यहां पर ड्यूटी लगाई गई है। कश्मीर जी से जानना चाहेंगे सर किस तरह की तमाम टीमों को यहां पर तैनाती की गई है सिर्फ एहतियात के मद्देनजर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही है जी, देखो बम डिस्पोजल जो दस्ता है वो यहाँ मौजूद है हमारे पास, और अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है हमारे को दूसरे स्टेशन पे भी तो गाड़ी तैयार है, वहाँ भी हम ले जा सकते हैं, और ऐसे ही हमारा डॉग स्क्वाड है वो जिला प्रशासन की ओर से हमारे को उपलब्ध करवाई गई है दोनों टीमें, और एक रिजर्व यहाँ जिला पुलिस की वो भी हमारे पास उपलब्ध कराई गई है, जो लोकल प्रशासन के अधिकारी वो भी यहाँ मौजूद है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद है, तो दूसरी गाड़ियाँ बिल्कुल हमारी स्मूथली चल रही है। किसी गाड़ी को जो धमकी दी गई है वो तो सिर्फ ट्रेनों को रोकने की दी गई है फिलहाल? जी जी, धमकी ट्रेनों को रोकने की दी गई है, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। स्टेशन पर धमकी आई है? उन्होंने तो गाड़ियां ट्रेनों को रोकने की धमकी दी है ना, तो हाँ पंजाब में जाने से रोकने की जो है धमकी दी गई है, तो तमाम रेलवे पुलिस के जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं पूरी तरह से तैनात हैं। दरेश सिंह जी क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की तैनाती यहां पर की गई है और क्या कहना चाहेंगे? तैनाती यहां हमारे पास जिला पुलिस की तरफ से रिजर्व आई है, और उच्च अधिकारियों की तरफ से निर्देश है कि सिक्योरिटी अपना बढ़ा के रखनी है, सारी चीज बारीकी से चेक करनी है, एंटी वो टीम लगा रखी है वो सारी उसको कंट्रोल करे। सिख फॉर जस्टिस की तरफ से जो धमकी, सिख फॉर जस्टिस की तरफ से धमकी है कि पंजाब में हम ये रेलगाड़ियां नहीं जाने देंगे। तो आप देख सकते हैं पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल के रेलवे स्टेशन से आप देख रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। बम निरोधक दस्ता हो, डॉग स्क्वाड की टीम हो, पुलिस की तमाम टीम हो, आरपीएफ की टीम हो, उनसे भी जो है आप देख सकते हैं हम उनकी भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आरपीएफ के जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं सुरेंद्र कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। आरपीएफ भी पूरी तरह से तैनात है? पूरी तरह से तैनात है जी, सभी स्टेशनों पे गाड़ियाँ स्मूथ चल रही हैं, किसी तरह का कोई वो नहीं है।
तो धमकी दी गई है जो 64 जस्टिस की तरफ धमकी ट्रेन रोकने का था उनका प्रोग्राम, लेकिन ट्रेन हमारी सारी स्मूथ चल रही है। करनाल में बिल्कुल ऐसा नहीं, कोई किसी तरह का वो नहीं, एहतियात के लिए तैनात है बिल्कुल। तो बिल्कुल एहतियात के मद्देनजर पुलिस की तमाम टीमें, सुरक्षा की तमाम टीमें पूरी तरह से तैनात नजर आ रही है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही लगातार जारी है। हालांकि एहतियात के मद्देनजर बड़ी संख्या में जो पुलिस सुरक्षा है वो तैनात की गई है। आप ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, चाहे रेलवे पुलिस हो, जीआरबी थाना पुलिस हो या करनाल पुलिस हो, पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैनात की गई है। और आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से किस तरह से चेकिंग भी की जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। पुलिस की टीमें जो है यहाँ पर चेकिंग भी करती हुई नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। क्योंकि धमकी दी गई है 64 जस्टिस की तरफ से कि पंजाब की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको रोका जाएगा। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, महिला पुलिस की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर तैनात की गई है और चेकिंग की जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय हम आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तमाम पुलिस की जो टीम है आप देख सकते हैं पूरी मुस्तैदी से रेलवे स्टेशन पर तैनात है। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से करनाल के रेलवे स्टेशन पर हम इस समय मौजूद है। जहाँ पर आपको बता दें कि आज जो है धमकी मिली थी कि कोई भी पूरे हरियाणा में जो है ट्रेनें नहीं चलेंगी। 64 जस्टिस की तरफ से जो है ये धमकी भरा जो फोन कॉल है वो किया गया था। हालांकि जो सुरक्षा है वो जो है ज्यादा यहाँ पर जो है चौकन्न कर दी गई है, महिला पुलिस हो चाहे जीआरपी। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के रेलवे स्टेशन से, जहाँ पर आपको बता दें कि आज जो है तमाम पुलिस के कर्मचारी हो, चाहे महिला पुलिस हो चाहे रेलवे पुलिस हो, वहाँ पर जो है पूरा चार चौबंद जो है वो इंतजाम किए गए हैं। देखते हैं कि किस तरीके से महिला पुलिस है हरेक सवारी को रोककर जो है गहनता से पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें कि आज जो है धमकी मिली थी कि ट्रेनों को लेकर जो है ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी, उसको लेकर जो है पूरे पुख्ता इंतजाम जो है करनाल पुलिस की तरफ से किए गए हैं। 64 जस्टिस की ओर से जो है एक मैसेज दिया गया था कि कोई भी ट्रेनें जो है वो जो है हरियाणा में कुछ स्टेशनों पर जो है नहीं चलेंगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यात्री भी जो है कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है फिलहाल इस तरह की कोई भी देख सकते हैं कि कोई भी जो है। तो तस्वीरें जैसा कि आपने देखी कि करनाल के रेलवे स्टेशन के बाहर हो या अंदर हो, किस तरह से पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, वज्र वाहन को भी जो है यहाँ पर तैनात किया गया है और पुलिस जो है आप देख सकते हैं जगह जगह आपको बैठी हुई जरूर नजर आएगी। क्योंकि एहतियात के मद्देनजर जो है पुलिस सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। रेलवे पुलिस हो, जीआरपी थाना पुलिस हो, करनाल पुलिस हो, तमाम पुलिस की टीमें इस समय आप देख सकते हैं करनाल स्टेशन के अंदर और बाहर जो है तैनात की गई है। क्योंकि सिख फॉर जस्टिस की तरफ से जो सिख फॉर जस्टिस जो खालिस्तानी समर्थक है गुरमन सिंह पन्नू, उनकी तरफ से जो एक धमकी भरा फोन जो है किस तरह से जो वायरल हो रहा है, किस तरह से धमकी उनकी तरफ से जो दी गई है कि पंजाब की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको आज 3 तारीख को रोका जाएगा। तो सिर्फ एहतियात के मद्देनजर आप देख सकते हैं पुलिस जो है चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर करनाल स्टेशन पर की हुए है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है काफी यात्री भी मौजूद है, उनको भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। क्योंकि 11 बजे का टाइम बताया गया था ट्रेन का, लेकिन अब तक जो है आई नहीं गई है। उनसे एक बार उनसे बातचीत करते हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, ट्रेन का समय क्या था, परेशानी किस चीज को लेकर हो रही है। हमारे को ट्रेन का टिकट में लिखा हुआ है 11 बजे यहाँ करनाल पहुंचेगी, नदेड़ साहब वाली अमृतसर से चल के। तो वो आप बता रहे हैं अभी 2 बजे आएगी, तो अब 2 बजे तक तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा यहाँ गर्मी में। तो पता नहीं क्या चक्कर है, आज सारी ट्रेनें लेट आ रही हैं, कुछ रद्द हो गई है। तो बताया नहीं किस कारण, कोई बता नहीं रहे कुछ भी, कोई कह रहा है कोई आंदोलन है, रोकेंगे गड्डियाँ या कुछ, पंजाब की तरफ से नहीं आ रही है। परेशानी हो रही है मैडम? हाँ जी, बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे भी है ना साथ में, बच्चों को लेकर बहुत परेशानी है ना। तो पंजाब वाली साइड जो ट्रेन है वो काफी ज्यादा लेट हो रही है। हाँ, पंजाब की साइड से लेट हो रही है ना ये। हाँ, इधर कोई लेट नहीं है, ट्रेन पंजाब से आएगी, सचखंड में जाना है ना हमने, नदेड़ जाना है, तो वो फिर वो लेट हो रही है। तो बिल्कुल देखते हैं कि किस तरीके से जो है पंजाब की साइड से बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है वहाँ की ट्रेनें जो लेट हो रही है, असर जो है उस साइड जरूर देखा जा रहा है। लेकिन अगर करनाल के स्टेशन की बात करें या पूरे हरियाणा की बात करें, तो ऐसा जो है कुछ भी यहाँ पर जो है कोई देखा नहीं जा सकता। हालांकि पुलिस जो है सुरक्षा के मध्य जो है पूरे पुख्ता इंतजाम जो है किए गए हैं। यहाँ पर बता दें कि आपको जो है बॉम्ब स्क्वाड की टीम है वो यहाँ पर पहुंची जरूर है। एक डॉग जो है स्पेशल जो करनाल पुलिस को दिया गया था वो भी जो है यहाँ पर पूरा किस तरीके से जो है सख्ती से देखता हुआ नजर जो रहा है। हालांकि जो डीएसपी है वो भी जो है यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं पुलिस की
तमाम टीमें जो है वो मौके पर पहुंची है। हमने आपको दिखाया कि जो ट्रेन है वो यहाँ से अभी गुजरी भी थी, लेकिन इस तरीके का जो कोई भी है रोक का जो है यहाँ पर जो है कोई भी देखा नहीं जा सकता। हालांकि पंजाब की ओर से बताया जा रहा है कि कुछ ट्रेनों को जो है वहाँ पर जो है सख्ती ज्यादा की गई है। अम्बाला और कुरुक्षेत्र की बात करें वहाँ पर जो है धमकी भरा मैसेज जो है ज्यादा वायरल हो रहा है कि वहाँ पर जो है ट्रेनों को रोक दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें पूरे हरियाणा की, पूरे हरियाणा में जो है पूरी ज्यादा जो है सख्ती कर दी गई है। करनाल के स्टेशन की बाहर की बात करें बाहर भी जो है तमाम पुलिस की टीमें जो है वो लगा दी गई हैं। अगर स्टेशन के अंदर की बात करें स्टेशन के अंदर भी जो है पुलिस की जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पर जो है तैनात कर दी गई हैं। और लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी इसका असर जो है देखा नहीं जा रहा है। ट्रेनें जो है पहले की तरह चलती हुई नजर जो रह रही है। हालांकि कुछ ट्रेनें जो है रद्द जरूर हो गई हैं, वो पीछे से रद्द हो गई हैं, क्योंकि पंजाब की साइड से जो है कुछ ट्रेनें स्लो चल रही हैं। स्लो इसलिए चल रही है क्योंकि वहाँ पर जो है पूरे हरियाणा में जो है ट्रेनें ना चलाने का जो है एक मैसेज वायरल किया गया था जो सिख फॉर जस्टिस की तरफ से। लेकिन ऐसा जो है यहाँ पर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन पुलिस जो है चाहे वो RPF हो चाहे करनाल पुलिस हो वो जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। एक एक लोगों से जो है बारीकी से पूछकर जो है पूछताछ करती हुई नजर जो रह रही, किसको कहां जाना है, सामान तक यहां पर जो है चेक किया जा रहा है कि इस तरीके कोई भी सामान ना हो जो जिस पर शक जाहिर किया जा सके, क्योंकि उसके लिए जो है अलग से एक डॉग चलाया गया है। और जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है वो भी यहां पर जो है लगाई गई है और आसपास के तमाम एरिया को जो है वो जांच करती हुई नजर आ रही है। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। करनाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैसेज जरूर वायरल किया जा रहा है, वायरल हो रहा है, क्योंकि कई जगह बताया जा रहा है कि धमकी भरा मैसेज भी आता है, फोन कॉल भी आता है कि आज जो है ट्रेनें ना चलाई जाए। लेकिन करनाल से हमने आपको तस्वीर दिखाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन समय में जो है कुछ बदलाव कुछ ट्रेनों का जरूर हुआ है, वो आप यहाँ पर आकर पूछ सकते हैं या यहाँ पर जो है फोन कर आप पूछ सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तेजा, करनाल वेकी न्यूज, करनाल। करनाल रेलवे स्टेशन पर भी जो है सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और इस समय आप देख सकते हैं जो स्टेशन अधीक्षक है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे सर क्या बताना चाहेंगे। एक सिख फॉर जस्टिस की तरफ से जो खालिस्तानी समर्थक है गुरबंत सिंह पन्नू, उसकी तरफ से धमकी दी गई है, तो किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास जो पुलिस महकमे हैं RPF और GRP, उनके पास जो भी अलर्ट था उसके माध्यम से उन्होंने अपना फोर्स लगा रखी है। सिविल पुलिस भी आई हुई है और हमारे स्टेशन पर अभी शांति है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है और ना ही इस तरह की कोई संभावना है। अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारी फोर्स तैयार है। सर, जो धमकी दी गई है पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रेनों को रोकने की दी गई है? देखिए, हमारे पास ऐसा रेलवे की तरफ से या हमारे पास डायरेक्ट कोई मैसेज नहीं है। पुलिस के माध्यम से हमें पता चला था कि इस तरह कोई वो है या अखबारों के माध्यम से, तो उसके लिए सावधानी के तौर पर हमने सुरक्षा हमारी पुलिस द्वारा कराई गई है। आपका शुभ नाम? संजय सक्सेना। संजय सक्सेना है, स्टेशन अधीक्षक है करनाल के। जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनको कोई डायरेक्ट इस तरह की धमकी नहीं आई है, लेकिन पुलिस की तरफ से अखबारों के माध्यम से जो है जो धमकी जो वायरल हो रही है, क्योंकि फोन पर किस तरह से कुरुक्षेत्र बताया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र में भी जो है इस तरह के धमकी भरे फोन आए हैं, अम्बाला में भी धमकी भरे फोन आए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस और रेलवे पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा के किए हुए है। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखे इस वीडियो को जरूर शेयर